चलिए, सो आप सभी का वेलकम है, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, हमारे टीचर्स का वेलकम है। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसका मेन रीज़न था, हर बार अपन लोग प्रोग्राम करते हैं और हर बार मेरी हमेशा एक इच्छा होती है कि जो कुछ भी बच्चे अपना एफर्ट्स लगा के कुछ भी करें, उसको कहीं न कब हम लोग उसको भले तो उसको हम लोग फैसिलिटेट बोल सकते हैं या उसको कुछ हम लोग एज ए प्राइज कुछ दें, ताकि वो बच्चे और मोटिवेट हो और लाइफ में और बहुत कुछ आगे करें। मतलब हमारे लिए नहीं, खुद के लिए और अच्छा करें, क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर आज की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के लिए आपके पास कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपका आइडियल है और उससे मोटिवेट होकर आप कुछ कर सकते हो। सेम मोटिवेशन, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो वो इसलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम पे माहौल ऐसा है कि आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाओगे, इवन हमारी बातों से भी डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाओगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा फैक्टर भी रोल प्ले करता है, जब कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलती, कुछ ऐसा नॉलेज आपको मिलता है, तो आप लोग वहाँ मोटिवेट होते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने छोटा सा काम किया, मुझे यहाँ पर ये प्राइज मिली, कल को मैं बड़ा काम करूँगा तो क्या मुझे कुछ मिलेगा क्या अच्छा। तो ये एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, लेकिन इस छोटे से प्लेटफॉर्म से अगर आप चाहें तो बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, क्योंकि हमेशा सीखने के लिए, एक बच्चे को सीख हमेशा पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी की मिलती है। तो आपके साथ भी ये क्या, ये आपके पहली सीढ़ी है, यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने वाले हो, बहुत सारा कुछ अच्छा करने वाले। तो उसके लिए यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। आपके स्कूल लेवल है, प्राइमरी लेवल पर आपका स्कूल लेवल होता है, फिर आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आते हो, आप कोचिंग भी करते हो, स्कूल भी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपका बेसिक रूट लेवल तैयार होता है। और उसके बाद जब आप बाहर मार्केट में या बड़े कॉलेज में जब जाते हो तो आप और आपका डेवलपमेंट होता है। मैं तो कह रहा हूँ पास होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लाइफ में कहीं पर भी फेल्योर नहीं लगना चाहिए। वैसे तो हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि फेल्योर ही सबसे बड़ा स्टेप है लाइफ में आगे बढ़ने का, पास होने का और कुछ सीखने का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फेल्योर ना आए, हमेशा आप आगे बढ़ो। तो मेरे लिए तो ये कि अगर आपने बोर्ड की क्लास भी पास की, आपने पहली क्लास भी पास की है, मतलब आपने लाइफ में एक छोटा सा अचीवमेंट किया है, लेकिन वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। पहले तो ये बताओ लाइफ में कौन कौन चाहता है हम भी अचीव कुछ करें और हमें कुछ मिले। और एक उसके बाद एक चीज और बताऊंगा, सरस्वती माता हमेशा घूमती रहती, भगवान हमेशा देखता है आपको ऊपर से, जो हैंड रेस करता है भगवान उसको कभी कभी तथास्तु भी कर देता है, और ये फैक्ट है। तो आप अगर अभी हम मैं कह रहा हूं किसको किसको चाहिए, कोई हाथ खड़े नहीं करता है तो भगवान कहेगा इसको तो चाहिए ही नहीं, क्या दे के करूं क्या। पास होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो और आपको ये भी पता है लाइफ में हर जगह कोई भी पास नहीं होता है। आप रनिंग करते हैं, सबको दौड़ना आता है बट सब नहीं जीतते हैं, गाड़ी सब चलाते हैं लेकिन 90% का एक्सीडेंट होता है, सब परफेक्ट नहीं निकलते, लेकिन कभी किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है, हमेशा सीखता है और सीख के आगे बढ़ता है। और सफलता हर इंसान को मिलती है जो हमेशा ट्राई करता है, जो हमेशा अपना पूरी जी जान लगाकर मेहनत करता है। और कैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बीच में अभी आपको मिलेंगे और आपको आप सुनोगे उनके मुँह से यार कि मैं पहले इस लेवल पे था, फिर मैं इस लेवल पे आया, आज मैंने ये किया, इसके लिए मैंने ये प्लानिंग की, वो सब चीज़ें अभी हम लोग सुनेंगे।